कानपुर कोहना थाना पुलिस को मिली सफलता, मैगजीन घाट युवक हत्याकांड में किया खुलासा। कल दिनांक 25 जुलाई 2021 को मैगजीन घाट निवासी नवीन शर्मा नाम युवक की हत्या करके टेफको फैक्ट्री के खंडहर में फेंक दिया गया था, जिसके चलते पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी थी। आज पुलिस ने इसका खुलासा करते हुए हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। किसी से खुलासा हो रहा है? परसों दोपहर से नवीन शर्मा नाम का युवक अपने घर से लापता था, जिसकी शिकायत उसके घर वालों ने कल थाना कोहना में करी। छानबीन में उस लड़के की डेड बॉडी यही थाना कोहना क्षेत्र में भैरव घाट के पास एफको फैक्ट्री के खंडर में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी करते हुए पाया है नवीन शर्मा का दोस्त भरत है, जिसकी मदर और सिस्टर के साथ रंजीत पाले के अवैध संबंध थे और नवीन शर्मा को इन अवैध संबंधों की जो सूचनाएं मिलती थी गोपनीय, वो भरत को बता देता था और भरत अपने पिताजी से इसकी शिकायत करता था भोला से, और फिर भरत के पिताजी अपनी पत्नी और बेटी को काफी डांट फटकार भी लगाते थे। अवैध संबंधों की शिकायतों को रोकने के लिए रंजीत पाले ने नवीन शर्मा का मर्डर इस टेफको फैक्ट्री खंडर में जाके तार से गला घोंट के की है। घटना खुलासा हो गया है, वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है, अरेस्ट कर लिया गया है, जेल भेज दिया। सर इनके साथ क्या कोई और भी लोग थे कि यही अकेले थे हत्या करने में? हत्या करने में ये एक है, लेकिन षड्यंत्र में दो अन्य है जिनके साथ महिलाओं के साथ इसके इनके इनके इसके हत्या करने के पहले सर क्या कोई ऐसी मारपीट हुई थी जो थाने में संज्ञान में आया उसके पहले? नहीं, इस तरह की कोई पहली कोई शिकायत इससे पूर्व इसकी नहीं। कोई शस्त्र भी बरामद होते? तार से गला घोंट के देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।